अच्छी स्पेस मिल रही है इधर, अच्छी तरह से मैंने गाड़ी सीट को पीछे कर दिया है, लेकिन तो भी मेरे को इतनी स्पेस मिल रही है, नेक स्पेस मेरे को इतना मिल रहा है, लेकिन थाई सपोर्ट की कमी दिख रही है इधर इधर थोड़ा थाई सपोर्ट हमको कमी महसूस मेरे को हो रही है, क्योंकि मेरे को थाई सपोर्ट नहीं है तो मेरे को पैरों को इतना फोल्ड करना पड़ेगा, और इधर मेरे को हेड रूम थोड़ा कम मिल रहा है। अगर मैं स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट बैठूँगा तो मेरे को हेड रूम की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हैच बैक में सारी हैच बैक में इतनी हाइट हमको मिलती है तो अच्छा खासा मिल रहा है। अगर मैं उसको मेरी हाइट की इंक्लूडिंग में 6 फुट है, थोड़ा 200 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं। नमस्ते, तो आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है टाटा विस्टा, जो टाटा वालों ने उसकी जो पहचान बनाने की शुरुआत की थी आज के दिनों में, तो टाटा विस्टा से की थी। तो टाटा विस्टा टाटा वालों की सबसे बढ़िया रन हुई थी इंडिया में। तो ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल मॉडल है, और ये 1200 cc का इसमें इंजन आता है, 65 NS टॉर्क इसमें जनरेट होता है। तो फिर ये गाड़ी थोड़ा पुरानी है, 2010 का मॉडल है, लेकिन इसमें अभी भी अच्छा बरकरार रखा है, इसमें अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। टाटा में इधर स्पीडोमीटर इसमें बीच में आता था इसमें, और आपको पावर विंडो नहीं मिलती है क्योंकि ये सबसे बेस वाला मॉडल है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या, अब डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, तो इसमें कैसा नॉइस है अंदर, तो मैं आपको सुनाता हूँ। अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आपको अंदाजा आ जाएगा कितना नॉइस है अंदर। तो इसमें कुछ मेरे को नॉइस तो नहीं दिख रहा है। अभी मैं गाड़ी को उठाता हूँ फर्स्ट गियर में डाल के, कैसे उठती है मैं आपको समझा कोशिश करूँगा। बढ़िया से उठ गई है, बढ़िया से, मतलब इतना मेरे को अंदर से इतना मेरे को भरोसा नहीं था कि टाटा अभी CNG में भी इतना जल्दी से उड़ जाएगी। बढ़िया उठ रही है गाड़ी, और टाटा पे भरोसा करने लायक मैं आपको बताता हूँ कि अभी भरोसा करा जा सकता है, क्योंकि 10 साल के बाद भी इतना अच्छा इसमें ड्राइविंग पोस्चर भी मिल रहा है। बढ़िया सी उठ रही है, बढ़िया से वर्क कर रहा है सारे कुछ, और पावर स्टेयरिंग की हम बात करें तो वो भी बढ़िया लग रहा है। अब एक गाड़ी चलाने की मैं बात करूं ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को चलाने में। और दूसरी बात करें हम इसमें विजिबिलिटी की, तो अगर ये ओल्ड कार आपको टाटा विस्टा परचेज करनी है तो टाटा विस्टा में विजिबिलिटी कितनी है, तो चारों तरफ की विजिबिलिटी सबसे मेन थिंग होती है, क्योंकि जो नया ड्राइवर होता है, या फिर मैं नए ड्राइवर की नहीं बात करूँ तो सब रेगुलर वे में चलाते हैं कार, उसके लिए भी विजिबिलिटी बहुत मायने रखती है। तो इस गाड़ी में विजिबिलिटी की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ से विजिबिलिटी सही है। मतलब कोई कोई कार होती है जिसमें विजिबिलिटी नहीं दिखती है, हम ऐसे मूव करेंगे तो उसमें हमको पूरा विजन नहीं दिखेगा क्या हमको क्या दिख रहा है, अगर पीछे लेनी है रिवर्स लेनी है तो उसमें विजिबिलिटी बहुत काम करती है। तो विजिबिलिटी के नाम से एक कार में विजिबिलिटी की कोई कमी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी हम बात करें तो इसमें स्पीडोमीटर बीच में आता है, तो आपको थोड़ा इधर से भी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, मतलब टाटा वालों ने विजिबिलिटी इसमें पूरी भर के दी है। और उठने की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पिकअप पॉइंट ऑफ व्यू से एक कार बहुत बढ़िया है, अगर किसी को मन होता है ये लेने का तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सस्ती मिल जाती है, क्योंकि टाटा की वजह से एक कार की जो रीसेल वैल्यू है बहुत कम है। अगर किसी को परचेस करनी है एक कार गोल्ड भी अच्छी खासे भाव में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो बहुत सारे कार आती है, मतलब गोल्ड आप परचेस करने जाओगे तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, तो वो चॉइस में आपको किसके ऊपर जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि टाटा की कार में क्यों रिकमेंडेड अभी कर रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है कि इसका जो बॉडी आती है, बॉडी का स्वभाव है, मतलब बहुत हार्ड स्टिफ रखता है, क्योंकि टाटा कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका जो बॉडी आती है उसका बॉडी का स्टील का, तो उसकी बॉडी हमें एवरी टाइम मस्कुलर रहती है, और उसकी बिल्ड क्वालिटी ऊपर जाएंगे तो बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया रहती है इस सेगमेंट में, क्योंकि जो प्राइस रेंज में टाटा की हैचबैक SUV कॉम्पैक्ट SUV आती है वो सब गाड़ियों के
जो बिल्ड क्वालिटी रहती है बहुत लाजवाब रहती है। और फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो शूट करता हूँ वो कैमरा आपको परचेज करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो लिंक चेक करके वो गैजेट को आप खरीद सकते हो। और मैं बात करूँ तो ये जो कार है वो टाटा की सारी कारें मजबूत आती है बॉडी के मामले में, तो अच्छी खासी सेफेस्ट कार है सब, तो इसको आप परचेस कर सकते हो। और 1 से 1.5 लाख के आसपास ये कार आपको मिल जाएगी, विस्टा 10 साल पुरानी 8 साल पुरानी मिल जाएगी। लेने में कोई दर्ज नहीं है क्योंकि अच्छी खासी चल रही है, सीएनजी में बहुत कम पैसे में आपको एक कार चलेगी। और दूसरी में बात बताऊँ तो सीखने के लिए लेनी है तो बढ़िया रहेगी ये कार। और मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।